Hey guys, good morning. Welcome back to my channel. और आज का वीडियो मैं थोड़ा सा मन कर रहा है मेरा कुछ DIY कुछ करने का. सो मेरा मूड क्या है ना कि लेट्स मेक अ हैप्पी दिवाली टाइप का कुछ बना के हम उसे अपने दरवाजे के बाहर लगाते हैं. सो लेट्स मेक अ रीथ हम लोग. तो वैसा ही कुछ मैं बनाने के मूड में हूँ. सो उसी बीच में डॉलर ट्री चली गई और डॉलर ट्री से हम कुछ सामान लेके आए डेकोर करने के लिए अपने दिवाली फेस्टिवल को. सो फटाफट सामान रख लेते हैं और चलते हैं घर पे क्योंकि हमें दिवाली रीत बनाना है. सो लेट्स गो. फिलहाल ये देखो फॉल में कितना सुंदर कलर आया है ट्रीज का. वाव सच अ ब्यूटीफुल कलर फॉल में ना यार, ये बहुत सुंदर लगने लगती है सारी चीज़ें. पत्ते झड़ने से पहले की बात होती है ये. और ये यहाँ पे मैं अपने घर के पीछे डेक पे दिवाली का लाइटिंग लगाते हुए. अभी आगे हमारी दिवाली की लाइटिंग नहीं लगी हुई है क्योंकि अबे को भी फुर्सत नहीं मिली और वैसे मैं लगा नहीं सकती हूँ. मेरा दिल तो बहुत है कि मैं फटाक से लगा दूँ बट मैं नहीं कर पा सकती हूँ क्योंकि मेरी हाइट उतनी लंबी नहीं है जितनी कि अभय सिंह की है. सो इसलिए मैंने पीछे का डेक कर दिया है. सो विल स्टार्ट. अभी देखो मैं क्या बनाया है. थोड़ा सा मुझे कुछ आइडिया सोच रही हूँ कि क्या करूँ, कैसी क्रिएटिविटी करूँ. मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है, ठीक है. सो लुक, ये मैं डॉलर ट्री से ही लेके आई हूँ. मैंने डॉलर ट्री से कुछ सामान लिए हैं जो मैं दिवाली का डेकोर करने के मूड में हूँ और कुछ इस तरीके से अभी मैं इस पे हैप्पी दिवाली का कुछ करने वाली हूँ. आई विल शो यू व्हाट आई विल डू. ओके सो मुझे कुछ ये सामान मिले हैं, देख रहे हो ये सब डॉलर ट्री से मैंने लिया था. तो लेट्स टेक इट एंड क्या कर सकते हैं, लेट्स सी. तो आपने देखा होगा जब भी डॉलर ट्री गए होगे तो आप कार्डबोर्ड में कुछ ना कुछ टैम्पलेट कुछ बना हुआ मिलता है. तो मैं वही कार्डबोर्ड लेके आई थी. ये मेरे पास पुराना रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो लेट्स मेक अ दिया. इसको सबसे मुश्किल काम क्या होता है, इसे काटना मुश्किल था. तो मैंने सोचा पहले नाइफ से करते हैं, नाइफ से 3-4 बार उसको निशान लगाते हैं तो मे बी इट विल बी ईजी, आराम से कट जाए. बट इट वॉज हार्ड. सो मैंने सोचा चलो सीजर अब यूज़ करते हैं, लेट्स यूज़ सीजर. बट सीजर भी बहुत मुश्किल हो रहा था तो दोनों का मिक्सअप मैंने करके ट्राई किया कि यार चलो देखते हैं लेट्स सी क्या होता है. और ये जो देख रहे हो आप रिंग, ये मैंने डॉलर ट्री से ही खरीदा था. और ये जो सब चीज़ें जितने भी हैं मोस्टली डॉलर ट्री से खरीदा हुआ है मेरा सामान. अब यार इसको दिया को जोड़ना भी ज़रूरी है ना, तो मैं ग्लू हॉट ग्लन से इसको जोड़ देती हूँ, हॉट ग्लू गन से. और मेरा कुछ इस तरीके का थीम है बनाने का. सो विल मेक इट. और थोड़ा सा दिया को कलर कर देते हैं येल्लो ब्राउन और मेटेलिक कलर ले लेते हैं, थोड़ा सा ग्लिटरी लुक दे दिया जाए. तो लेट्स डू फटाफट. और ये पूरा होता है इस बीच में ये छोटा सा सास्त्विक जो कि मैं इंडियन ग्रॉसरी से अपने दिवाली डेकोर में ख़रीद के लेके आई थी. और उसके थोड़े से डायमंड्स निकल गए थे तो मैं हॉट ग्लू गन की यूज़ से मैं उसको भी लगा दया. और ये मेरी दिवाली रीत तैयार हो गई. होप आपको भी अच्छी लगी हो. प्लीज़ कमेंट करके बताना कैसा लगा. इसको मैं अपने दरवाजे पे लगाने वाली हूँ और मैं जानना चाहती हूँ यार ये कैसा बनाया, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. ये जो देख रहे हो ये शूज़ एंड ऑल सबका काम है, तीनों लोगों का काम है, एक का नहीं काम है, सबका काम है. तो चलो फिलहाल डोर पे देखते हैं कैसे लगाना है इसको. बट यार मैं ना देखती हूँ कैसे लगाऊंगी. सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स. होप अच्छा लगेगा. आप लोगों को भी ट्राई करना यार, अब बहुत ही ईजी है बनाना. आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना. अब यार ये मेस जो है ना, ये जो क्रिएट होता है वो सबसे बुरा होता है. DIY करने में बहुत मज़ा आता है मुझे, बट ये क्लीनिंग ना, इट इज़ Somehow I manage it. So फटाफट क्लीन कर लेते हैं. और यहाँ मैं और पीयू थोड़ा सा बात करती हूँ. कलर को क्या बोलते हैं? पर्पल. वो उसका नाम किसका? उसका वो कल पहनी थी क्योंकि कल पापा लाए थे. क्या लाए थे पापा कल? तब पीयू छोटी थी. कल पापा लाए थे तो पीयू छोटी थी. किसका नाम? पर्पल था.
सो यहाँ आदि और पीहू, आदि भी उठ गया है और पीहू प्ले कर रही, पीहू सोच रही मम्मा क्या हो गया, अचानक वीडियो बना रही है मैं पीहू। और ये आदि अपने डॉगी के साथ खेलते हुए, उनका नया डॉगी आया है। आदू डॉगी का क्या नाम है? इनका बेबी आया है चाचा का। चाचा का बेबी? ओ अच्छा, चाचा का बेबी आया है, ओके। चाचा को कॉन्ग्रेट्स किया आपने? किया? पीहू को याद है कि चाचा का बेबी आया है? वाओ पीहू। ये देखो कुशन, मेरे घर में कभी भी कुशन ऊपर नहीं रहता, ऑलवेज कुशन नीचे रहता है। ये जो एक ये बच्ची है ना, ये बच्ची ये बदमाश बच्ची है, ऐसे ऐसे मंकी की तरह, मंकी की तरह। चलो, और यहाँ मैं और पीहू थोड़ी मस्ती करते हुए, आदि भी है यार। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर DIY और अगर दिवाली रीत अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड को भी शेयर करना और लाइक कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तक के लिए बाय बाय, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। फिर मिलते हैं, और इसको हम लोग दिवाली सीरीज करते हैं ना, क्योंकि अभी और भी मैं दिवाली की चीज़ें दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, कैसे घर डेकोरेट करूंगी। तो लेट्स मेक दिस सीरीज, लेट्स नेम इट दिवाली। या सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक में, बाय बाय, एंजॉय।